हेलो गाइस, तो आज आप लोगों को मैं सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सैलरी कितना होगा, मुंशी का कितना होगा, सरदार का कितना होगा, अंसिलारी का कितना होगा, लेबर लोगों को कितना मिलेगा, यही पूछते रहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को जवाब देने वाला हूँ। हालांकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था सैलरी के बारे में, फिर भी मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं सैलरी में, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में आप लोगों को और एक अपडेट्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को मेरे और एक नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMGSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलती रहे। और आप लोगों का कोई भी सवाल हो, आप लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आया है और कितना कितना सैलरी हुआ है अभी, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को और एक अपडेट्स बताऊंगा। सबसे पहले देखिए मैं अंसिलारी का बताऊंगा, अंसिलारी का सैलरी कितना होगा। अंसिलारी वो होता है जो लेबर होता है, गोडाउन मतलब मजदूर और मोरिया स्टीचर, जो मतलब बस्ता उस्ता फट जाता है लोडिंग अनलोडिंग में, उन लोगों को सीने का काम करते हैं। और लेबर का जो भी मतलब लोडिंग अनलोडिंग का काम वो भी करते हैं कभी कभी। तो उसका सैलरी कितना होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसका सैलरी आपका 21,800 से लेकर 50,200 तक हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है 21,800 से 50,200 के बीच में उन लोग को सैलरी मिलेगा अंसिलारी लोगों को। और आप लोगों का सैलरी यही नहीं है कि आप लोग पहले से जो काम कर रहे हैं, आप लोगों का सैलरी थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को 21,000 से स्टार्टिंग नहीं होगा, आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, करीब करीब 35-40,000 के आसपास मिल जाएगा आप लोगों को सैलरी। अब देखिए यहाँ पे तीन नंबर में देखिए, जो हैंडलिंग लेबर लोडर, जिसका मतलब मेन काम ही होता है लोडिंग अनलोडिंग का, उसका सैलरी कितना होगा। उसका सैलरी देखिए 22,300 से लेके 51,000 के बीच में मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप लोगों को 22,300 से ही आप लोगों का सैलरी स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर पहले से काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट 35 या 40 या मतलब 30 से तो आप लोगों का सैलरी स्टार्ट हो ही जाएगा। देखते हैं चार नंबर पे, यहाँ पे देखिए मंडल टिंडल। ये मंडल टिंडल का काम क्या होता है, इसका मतलब काम वही है जो सरदार लोगों का काम होता है, वैसा ही काम है इन लोगों का भी जो लेबर को हैंडल करना होता है। तो इन लोगों का सैलरी देखिए यहाँ पर देखिए 23,100 से लेके 54,600 के बीच में मिलेगा सैलरी। आप लोगों का भी वैसा ही होगा, आप लोग अगर पुराना है तो आप लोगों को एटलीस्ट 40 से तो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का सैलरी। नेक्स्ट सबसे स्टार्टिंग में पहला में देखिए डेजिग्नेशन, ये पे स्केल आपका सरदार और मुकुरम का देखिए, आपका सैलरी आपका 24,200 से लेके 58,600 तक होगा। मतलब अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से सरदार और मुंशी का सैलरी आप लोगों का 50 के ऊपर जाएगा, ऐसे तो सुनने में आ रहा है, लेकिन वो जब आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा तभी पता चलेगा कि आप लोगों को सैलरी कितना मिलने वाला है। मेरे ख्याल से तो आप लोगों को एटलीस्ट 50+ तो मिल ही जाएगा आप लोगों को सैलरी, उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही सैलरी स्ट्रक्चर, ये देखिए सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन, पे स्केल, सरदार मुकुरम का 24,200 से लेके 58,600 तक, फिर आपका मंडल टिंडल का 23,100 से लेके 54,600 तक, हैंडलिंग लेबर लोडर का 22,300 से लेके 51,000 तक, फिर अंसिलारी का देखिए लेबर जो गोदाउन मजदूर मोरिया स्टीचर उसका 21,800 से लेके 50,200 तक आप लोगों को सैलरी मिलेगा। ये था आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर जिसमें जो कुछ चेंजेस आए थे। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों को एक अपडेट्स दूंगा, तो अपडेट्स ये है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जॉइनिंग कब होगा। जॉइनिंग तो पता है, जॉइनिंग ज़रूर होगा, लेकिन कब तक होगा ऐसा बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो उसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए कल मैंने हमारे यहाँ के लीडर से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अभी लिस्टिंग चल रहा है, लिस्टिंग ख़त्म होने के बाद आप लोगों का असम में लिंक स्टार्ट हो जाएगा, लिंक स्टार्ट होने के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और आप लोगों को पता शायद कि बहुत सारी स्टेट में लिंक स्टार्ट हो चुका है, शायद आप लोगों को कुछ लोगों को तो मैसेज भी आ चुका होगा,
की लिंक स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टेट में लिंक स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आप लोगों का लिस्टिंग कंप्लीट हो चुका है और डेटा सबमिट हो चुका है, उन सब स्टेट में चल रहा है लिंक। अभी असम में भी लिंक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जनवरी लास्ट या तो फेब्रुआरी 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ये कितना हद तक सच है वो बाद में ही पता चलेगा जब टाइम आएगा, लेकिन अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से तो उन लोगों ने यही कहा है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग जनवरी लास्ट या तो फेब्रुआरी 1 से 5 तारीख के बीच में ज्वाइनिंग होगा, ऐसा कहा है। तो इस टाइम के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का ज्वाइनिंग उस समय होता है कि नहीं। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का ज्वाइनिंग कंफर्म है, 100% गारंटी आप लोगों का ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। बस यही अपडेट्स देना था आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMGSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।